प्रथम तहलका न्यूज। करनाल के बसंत बिहार में पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर रख देने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पति ने पत्नी के सर में लोहे का रोड मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतका के परिजनों ने आरोपी पति के खिलाफ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है। एक दिन भी मेरी लड़की का सुखी नहीं गया, फिर भी वहाँ से मैं कपड़े लेके देती थी, जूते चप्पले सब कुछ मैं लेके देती थी, जो भी इसका गहना था, जो भी बाली थी, कोका था, पंजेबे थी, सब उतार लिए इन्होंने। देखो कितना बड़ा घर है, कितना वो है, इतनी लालची लोग थे जी, हमारे को ये भी पता नहीं था। किस बात का झगड़ा हुआ करता था पहले? ज्यादा इस दहेज पे झगड़ा होया करता था जी, पैसे मांगता था, पैसे मांगते थे। पहले भी लड़कर वापस मायके आती थी रहने के लिए? हाँ जी आती थी, नशे में स्मैक में सब कुछ करता था जी। रंडी बाजी भी ये करता था, आप भी यहाँ भी और बैठी है जी, वो मंजूर बैठे जिसके साथ वो कुत्ता बैठा था जी। गले मोहल्ले वाले ने हमारे को उनके सामने बता दिया भाई, वो परसों तो सामान लेके आ रही थी है? अच्छा वो बीमार ये कह रही है, जैसे बीमार है, कुछ नहीं थी बीमार, इन्होंने खुद कशी करी है, जो कुछ करा है इन्होंने खुद करा है। आपको क्या जानकारी मिली? जानकारी यही मिली कि वो अपना व्रत का सामान लेके आ रही थी बाजार से। कितना दूर देखो बाजार पड़ती है, जो वो बीमार होती तो ले आती तो कुछ करा गया हमारी लड़की के साथ, हादसा करा है इन्होंने। फिलहाल पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला हॉस्पिटल में भिजवा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। हत्या का केस दर्ज कर मृतका के पति को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। तो शाम के समय सूचना मिली थी कि वसंत विहार गली नंबर 13 में किसी लेडीज की मृत्यु हो गई है, तो मौके पर जाके वहाँ CFS अपना FSL टीम बुलाई गई और जो उनके परिजन थे उनसे बातचीत की गई। उन्होंने जो कंप्लेंट दी है उस कंप्लेंट के अकॉर्डिंग 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जो लेडीज जिसकी मृत्यु हुई है उसके हस्बैंड के खिलाफ उन्होंने भाई ने पर्चा दर्ज करवाया है, अब उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद जो भी कॉज ऑफ डेथ आएगा अकॉर्डिंग टू किस धारा में पर्चा दर्ज हुआ? 302 में पर्चा दर्ज किया गया। तो 4-5 को आरोपी बता रहे हैं फिलहाल, उन्होंने भाई ने मृतक के हस्बैंड के खिलाफ ही करवाया है। तो हिरासत में ले लिया पूछताछ के लिए? पूछताछ की जा रही है उनसे, पूछताछ करने के बाद जो सच्चाई सामने आएगी वो कार्रवाई करेगी। फिलहाल पुलिस की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वही हत्या की इस वारदात के बाद से मृतका के परिवार में मातम छाया हुआ है। तो वही मृतका के परिजनों का आरोप है कि उनकी लड़की को दहेज के मामले को लेकर तंग किया जाता था। प्रथम तहलका के लिए करनाल से अमित भटनागर की रिपोर्ट।